तो वेलकम बैक गाइज स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वाली वीडियो में सारे के सारे केबों के बारे में तो गाइज आमतौर पे हमारे पूरे आर्क सर्वाइवल में ऑलमोस्ट जो है छः केब होते हैं शायद ही आप लोगों को छवे के छ के पता हो तो चलिए मैं इस वाली वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सोचूंगा जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके इस वाली वीडियो करूँगा और साथ ही साथ मैं आपको सारे केब्स के इंट्रेंस भी बताऊंगा और इसके अलावा इन स्केच्स के पैरासूट्स भी बताऊंगा और साथ ही साथ जो है गाइस कैसे जाएंगे कैसे करेंगे सारी चीज़ें बताऊंगा ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले बात कर लेते हैं एक नॉर्मल केव साउथ केव या फिर हंटर केव जो भी कह लें इसका नाम तो अभी चलिए इसका पैरासूट देख लेते हैं कौन सा होता है क्योंकि मुझे भी इसका नाम जो है क्लियरली याद नहीं है ठीक है सो so, यहाँ पर ये आई थिंक मुझे लग रहा है ये वाला है इन साउथ आइसलैंड चलिए देख लेते हैं हाँ गाइस तो इस पैरासूट का नाम होता है ना साउथ आइसलैंड क्या नाम है फाइंड द एंट्रेंस ऑफ केव इन साउथ जो भी नाम हो इसके उसको इसको तो हम लोग नॉर्मली हंटर केव कहते हैं फिलहाल के लिए तो चलिए सो तो ज़्यादा दूर नहीं है तीन सौ मीटर के आसपास है अगर आप लोग रन करते हुए जाते हैं तो रन करते हुए चलिए रन करना भी सिखा देता हूँ मैं आपको तो ये देख लीजिए पहले आप लोग यहाँ पर बाहर की तरफ आ जाइएगा बाहर तो आप लोग ये तो जानते होंगे कौन सा एरिया है हमारा जैसे ही आ जाते हैं गाइस आप लोगों को क्या करना है देखिए आप लोग अगर ऊपर ऊपर से जाएंगे तो पक्का भूल जाएंगे कैसे जाना है कहाँ जाना है पक्का भूल जाएंगे मुझे पता है ऐसा अक्सर होता है मैं भी जब पहले पहले खेलता था तो मुझे भी बहुत हार्ड लगता था इसका एंट्रेंस का केव को फाइंड करना तो आपको ये जो रास्ता दिख रहा है ना गड्ढे जैसा इसको फॉलो करते हुए जाना है क्योंकि ये जो ना केव को ये केव जो है ना काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है और बिल्कुल इर्ज में है जिसको नहीं पता रहेगा ना गाइस वो दो सेकंड के लिए कन्फ्यूज़न भी में भी आ जाएगा क्योंकि जो केव का एंट्रेंस है ना वो थोड़ा सा अजीबो टाइप का है तो यहाँ पे देखिए आपको लेफ्ट की तरफ फॉलो करते हुए जाना है राइट में कहीं नहीं जाना है जैसे ही आप लोग लेफ़्ट की तरफ फॉलो करते हुए जाएंगे तो कुछ जैसे थोड़ा सा मतलब बाहर की तरफ निकलते रहेंगे और अभी देखिए ये हमारा इंट्रेंस केव है यहाँ पे थोड़े से रैप्टर वगैरह आ चुके हैं तो हमें थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा सो तो हम लोग केव के एंट्रेंस पे आ चुके हैं ये देखिए ये आपको दिख रहा है ये 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 जो आपको थोड़ा बहुत क्या कहते हैं इसका नाम जो भी हो मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा सो so, ये हमारा केब का एंट्रेंस है आप लोगों को मैं दिखाता हूँ अगर ये रैप्टर मुझे परेशान न करे तो मैं इन रैप्टर्स को मार देता हूँ एक मिनट ओह शिट खैर कोई दिक्कत नहीं है इसीलिए मैंने आर्मर बना रखा था इन द केस अगर ऐसा हमारे साथ हो जाता है तो अरे यार हद चले एक रैप्टर गया और राइट ये दोनों गए रैप्टर चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ आपको एंट्रेंस दिखाता हूँ तो ये देखिए ये हमारा इंट्रेंस है ये ये ये, ये जो इंट्रेंस है, इस तरीके से बना हुआ है ना कि आप लोगों को दिखेगा ही नहीं कभी भी नहीं दिखेगा ये ग्लिच टाइप का दिखाएगा आपको देख लीजिए ये देखिए ये, ये इतना खतरनाक बना ही हुआ है ना कि गिलिश टाइप का दिखाता रहता है सो तो आप लोग आजू बाजू का एक एरिया जो है कन्फर्मली याद कर लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंट के तौर पर कितने पॉइंट पे है सो तो ये जो है इस ना इसका एंट्रेंस जो है अस्सी अस्सी और बावन के बीच में है ठीक है अस्सी बोले तो ऊपर से यहाँ पे लेफ्ट साइड से ऊपर से नीचे की तरफ जो है अस्सी है और नीचे से जो है राइट की तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ जो है ये जो है बावन है तो आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को इधर राइट में नहीं देखना ये मेरे जो हेल्थ टाइप का जो सिंबल बना हुआ उसके नीचे देखना है आपको लैंगट्यूड एंड लैंगट्यूड और लैंगट्यूड दोनों दिखा रहा होगा so, सो यहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं खैर मैंने इस वाली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम पर बात कर दिया मतलब आपको थोड़ा सा समझाने और पहले केप को बताने के बारे में तो आई होप आपको ये केप का एंट्रेंस समझ में आ चुका हो हालांकि मैंने मैप से भी करके दिखा देता हूँ एक बार ये देखिए अगर आप लोग मैप से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा तो ये हमारा केप का एंट्रेंस है और राइट एक केब हो चुका है चलिए दूसरे केब की तरफ चलते हैं और इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे पहला केब था इसलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाने लगा था बट अब दूसरे केब की बात कर लेते हैं सो पास पास केब रहेंगे तो ज़्यादा जल्दी खोज लेंगे तो पास वाले केब से ही स्टार्ट करते हैं दूसरा केब जो है हमारा लावा केब है हालांकि दूसरा केब वो आपके लिए दूसरा केब नहीं हो सकता वो हमारे लिए दूसरा केब हो सकता है जैसे जो आपको ज़्यादा ईजी लगता है आप उसे कर सकते हैं तो मैं इस दूसरे वाले केप को कर, करूंगा आपको दिखाऊंगा चलिए तो दूसरा वाला केप जो है हमारा एकदम बिल्कुल उधर सामने की तरफ है मैं दिखाता हूँ आपको चल के एकदम कॉर्नर में अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग कैसे जाएंगे कैसे खोजेंगे लावा केब को तो मैं उसका भी एक ट्रिक बता देता हूं आपको ट्रिक तो नहीं है मतलब पैरासूट ही है तो इस वाले पैरासूट का क्या नाम है इस ना आप लोगों को ये पैरासूट इस तरीके से मिलेगा नियर द साउथ स्टेंट कोस्ट ऐसे करके आप इसको एक्टिवेट करेंगे आप जैसे ही एक्टिवेट करेंगे आपको लेफ़्ट साइड ऊपर की तरफ जो है ये सिंबल दिखाने लगेगा जो कि किलोमीटर में दिखाता है तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी इसको फॉलो करेंगे और जैसे ही आप लोग फॉलो करेंगे आप लोग ईजिली केब के पास में पहुँच जाएंगे तो चलिए मैं जल्दी से आपको केब की तरफ ले चलता हूँ अभी भी एक किलोमीटर दिखा रहा है मैं बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करूँगा एक किलोमीटर से आप लोग देख सकते हैं आप लोग रनिंग करते हुए भी जा सकते हैं हालांकि मैं आपको बता दूं एक बात कि आप लोग जब यहाँ पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है भाई आखिर में केव है तो है कहाँ इस साइड है या फिर उस साइड तो मैं बता दूँ आपको कि केव जो है दूसरी साइड है आप लोग इस साइड केव को मत खोजने लगेगा क्योंकि इस साइड आपको केव मिलेगा ही नहीं तो चलिए यहाँ पर देखिए बफरिंग करने लगा तो आप लोग जो है केव के मतलब इस पत्थर के इस साइड आना पड़ेगा आपको आप लोग जैसे ही इस साइड आ जाएंगे आपको केव इधर ही आसपास मिल जाएगा देखिए ये रहा हमारा केप का लोकेशन और ये देखिए ये हमारा केप का लोकेशन है उतर जा भाई चलिए अभी तक आप लोगों को केप दिखा नहीं होगा मुझे पता है थोड़ा सा अंधेरा टाइप दिख रहा है वीडियो में खैर कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्लियरली दिखाता हूँ ये देखिए ये हमारा केप का लोकेशन है लावा केप का देखिए आपको लिखा हुआ आएगा इस तरीके से लावा केब सो so, आप लोगों ने लावा केप देख लिया अब बात कर लेते हैं हम लोग जो है इस इस, इस आ, स्वैप केप की सॉरी स्पोन स्पोन कह रहा था इस्पॉन या फिर स्वैप केप जो भी कर सकते हैं ये हमें मिलता है रेडवुड के एरिया में तो चलिए मैं थोड़ा सा रेडवुड के एरिया में चला जाता हूँ और इसके लिए भी हमें पैराशूट आते हैं अगर आप लोग चाहें तो इस तरीके से जाइए पैराशूट्स में पैराशूट्स में जाने के बाद जो है इस यहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा एक मिनट में देख लेता हूँ ये देखिए नियर द आइसलैंड स्वैप आइसलैंड कुछ इस तरीके से करके लिखा हुआ आएगा सो so, ये देखिए आपको इस तरीके से सिंबल दिखाने लगेगा बिल्कुल जो है रेडवुड एरिया मतलब रेडवुड जहाँ पे पेड़ मिलते हैं रेडवुड वाले उस वाले एरिया में जाना पड़ेगा तो चलिए मैं वहाँ पे पहुँच के फिर आपको दिखाता हूँ सो so, अभी हम लोग रेडवुड वाले एरिया में आ चुके हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ से वन किलोमीटर दिखा रहा है तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि अभी यहीं से इस वाली चीज़ को पूरा बिल्कुल देखते हुए चलते हैं ताकि आप लोगों को ज़रा भी कन्फ्यूज़न न हो तो आप लोग इस तरीके से मैप हटा भी सकते हैं मैप को लगा भी सकते हैं अगर मैप आप लोग हटा देंगे तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो मगर यहाँ पर देखिए जैसे ही जैसे आप लोग पास जाते जाएंगे आपको पाँच मीटर के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा ईजिली तरीके से ये मिलता जाएगा और ये देखिए अब जो है मीटर में आपको दिखाएगा हालांकि 100 मीटर के बाद जो है ना आपको बिल्कुल गोल गोल दिखाने लगेगा वो बफरिंग देगा ये देखिए जैसे गोल गोल दिखा रहा है वो बफरिंग देगा तो यहाँ पे थोड़ा सा गेम जो है ना रेंडर नहीं हो पा रहा है मैंने ग्राफिक को काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया है तो थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि गेम जो है पूरा रेंडर ले ले अपना ऑल राइट सो हम लोग केब के इंट्रेंस के बिल्कुल पास में हैं अगर आप लोग पैदल आते हैं तो थोड़ा सा शायद आप लोगों को झेलना पड़ जाए मुझे जहाँ तक लगता है क्योंकि इसके एंट्रेंस का जो है ना बहुत ही ज़्यादा बवाल रहता है गाइस अक्सर जो है आप लोग बिल्कुल पास में आके चले जाएंगे मगर आपको ये जल्दी दिखेगा भी नहीं मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो ये देखिए ये हमारा केब का एंट्रेंस है ये आपको दिख रहा होगा ये देखिए ये हमारे केब का एंट्रेंस है मैं इसको एक बार फिर से क्लियरली दिखाता हूँ आपको ये देखिए यहाँ पे पॉइजन रहता है गाइस आप लोग इसको क्लियर नहीं कर पाओगे विदाउट जो है पॉइजन मास्क का तो यहाँ पे देखिए आप लोग जब आते हैं ना गाइस तो आप लोग इस वाले केब को कहाँ पर खोजते हैं मैं आपको बताता हूँ ये देखिए आप लोग जो जब आते हैं तो आप लोग इस वाले केब को यहाँ पे नीचे खोजते हैं दिख रहा है ये ये कितना ज़्यादा ऊँचा है मतलब आप लोग एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग जब आते हैं तो हम लोग यहाँ पे केब खोजते हैं तो भाई यहाँ पे केब कहाँ से मिलेगा केब तो हमारा ऊपर है तो एक बार आप लोग नोटिस कर लीजिएगा कि आप लोग कैसे खोजेंगे क्योंकि आप लोगों को अक्सर जो है मैं मुझे तो खुद होता है ऐसा तो आप लोगों की तो बात ही अलग है तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ ये रहा हमारा केब और इसका जो है लैंगीट्यूड और लेटिट्यूड दिखा देता हूँ हालाँकि मैं हंटर के सॉरी लावा केब का दिखाना भूल गया तो इसका देख लीजिए सिक्सटी और थर्टी सिक्स ऑल राइट सो चलिए अभी जो है हम लोग तीसरे वाले केब के पास में चलते हैं जो कि हमारा एक तरह से कह सकते हैं मिडल चेंबर केब बोल लेते हैं उसको ठीक है मिडल चेंबर या फिर वोल्कोनो के पास में मिलता है तो इसका भी पैरासूट ऑन करके दिखा देता हूं मैं आपको कहाँ गया कहाँ गया ए नियर द वलकोनो इस वाले पैरासूट का नाम है नियर द दे वलकोनो देखिए वहां पे ऊपर की तरफ आपको दिखा रहा होगा तो चलिए मैं जल्दी से चलता हूँ आपको लेके वहाँ पर हालाँकि वन पॉइंट सेवन किलोमीटर है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोग सारी डिस्टेंस जो है काफ़ी जल्दी तरीके से कवर कर लेंगे और इसके अलावा अगर आप लोग जो है गाइज ना अगर आप लोग जो है इन केप्स के बारे में जानना चाहते हैं और भी डिटेल से या फिर इन केप्स के कैसे करें मतलब बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स भी है इसके इस इन सभी केप्स पे अब कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा ईजी लगती है कौन से रास्ते आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो अगर आप लोग इन सभी की वीडियो पहले से ही देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी है आप लोग जाके इजीली से देख सकते हैं बस आपको क्या करना है मेरे यूट्यूब जाना है पार्ट गेमिंग ऑफिशियल पे वहाँ पे प्लेलिस्ट में चले जाना है प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो है गाइस आप लोगों को सर्च करना है केब्स सिर्फ और सिर्फ केब्स लिखेंगे प्ले मिल जाएगी आपको केब्स वाली उसमें सारी वीडियोज केब्स से रिलेटेड मिल जाएगी चलिए तो मिडल चैम्बर केब्स बोल सकते हैं इसको वोलकोलो केब्स बोल सकते हैं जो भी बोल लें तो ये देखिए ये वाला केप्स जो है ना गाइस यहाँ पे रहता है बिल्कुल बीच में कोनो के पास में जो बड़ा सा कोनो रहता है जहां पे अक्सर जो है हम लोग न्यूबीज लोगों का जो है ड्रीम रहता है कि हम लोग उसके ऊपर अपना बेस बनाए तब कोई रेड नहीं कर पाएगा अक्सर यही रहता है मैं जानता न क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है गाइस जब मैं पीबीपी खोलता -पी था तो मैं भी सोचता था भाई यार अगर मैं पहले से खेल रहा होता तो शायद मैं उसके ऊपर बेस बना सकता था अपना खैर जो भी हो तो ये वोलकोनों के नीचे आप लोग देख सकते हैं मैं आपको इसका लैंगीट्यूड और लेटिट्यूड दोनों दिखा देता हूँ सो ये देख लीजिए इसका लैंगीट्यूड और लैटीट्यूड फोर्टी और साथ ही साथ जो फोर्टी है इस के इस इसके की खासियत है कि आप लोग कुछ करें या फिर ना करें या आपको कुछ भी अच्छा देने वाला नहीं है तो ये इस इसकेब की खासियत है तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं हम लोग दो ऐसे केप की जो कि हमें आइस वाले एरिया में मिलता है और एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और एक बहुत ही ज़्यादा ईजी है पहले वाले का नाम है होलो केब और दूसरे वाले का नाम है स्काई पिक केब तो ये जो दोनों केबें ना है गाइस ये थोड़ा सा हमारे लिए पहला वाला हार्ड हो सकता है बट दूसरा वाला जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी है बस उसको थोड़ा सा फ्रीजिंग वगैरह से हमें बच के रहना है अदरवाइज़ उससे हम लोग जो है ना सारे बीपीज आराम से ले सकते हैं जितने भी हमें बीपीज आते हैं आर्मर्स वगैरह के सारे सारे बीपीज को ले सकते हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस किस केप्स की बात कर रहा था तो फिलहाल के लिए इसे भी हम लोग पैराशूट से एक्टिवेट कर सकते हैं बट ये हॉलो केब को फाइंड करना बहुत ईजी है देखिए मेरे सामने जो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल स्ट्रेट में देखिए वही होलो केब है बट आपको मैं पैराशूट्स भी बता देता हूँ इसका पैराशूट्स क्या है तो आई थिंक ये वाला है हमारा देख लेते हैं नहीं ये वाला नहीं है दूसरा वाला ये मैं उसका उसका खोल दिया इस्पा पिक केप का खोल दिया सॉरी कहाँ गया अरे कहाँ गया यार कन्फ्यूजन हो गया मुझे खैर जो भी हो कन्फ्यूजन में मैं बार बार इस उस 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 वाले का खोल दे रहा हूँ क्या नाम है जो हमारा वाइट अरे उसका नाम भी अब क्लियरली मुझे नहीं आ रहा खैर जो भी हो चले चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है अभी हम लोग यहाँ पे देखिए मैंने इसको खोल दिया इसका नाम है वाइट स्काई पी के मैं तो गलत गलत ही लगता है नाम वग़ैरह बता रहा था थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिएगा आप लोग देख लीजिएगा मैं कौन से इंट्रेंस के नाम गलत बता रहा है फिर कौन सा सही है आप लोग देख लीजिएगा वैसे भी नाम वगैरह से क्या ही लेना देना भाई अपने को तो सब कुछ बस जानने से मतलब है कि सही जगह पे कौन सी क्या चीज़ है चलिए तो इसके इसका नाम है वाइट स्काई पीक केव जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे और इसका लोकेशन ये है अभी देखिए ये वाला बड़ा सा केव जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइनो मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलते हैं मतलब अलग लेवल के सो so, देखिए फाइनली जो है मैंने इसका केव का एंट्रेंस भी फाइंड कर लिया मैं आपको इसका लेंगेट्यूड और लेटिट्यूड दिखा देता हूँ सो so, ये है ट्वेंटी नाइन पॉइंट जीरो और थर्टी वन पॉइंट नाइन और राइट चलिए अभी हमारे पास एक और केव है जो कि लास्ट केव है सो so, ये हमारा जो केव बनेगा इस इस वाले केव से हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं जैसे में कि सोर्ड मिल सकता है और इसके अलावा जो है हमें आर्मर्स के बीपी मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले केब से हमें जो है मतलब ये केब कहाँ पे है वो तो बाद में बताऊँगा कि इससे हमें और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ऑलरेडी वीडियोस वगैरह उस पर भी बनाऊँगा तो अगर आप लोग चाहें तो अब लास्ट वन यही बचा हुआ है इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्नो आप लोग पैराशूट को एक्टिवेट कर सकते हैं हालांकि अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग ऑलरेडी अपने आप कर लेंगे मगर मैं मुझे पता है आप लोगों को मुझे गाइड करना पड़ेगा तो चलिए आप लोगों को फॉलो करके जाना है ये बफरिंग वाला सिस्टम आप लोगों को बिल्कुल यहाँ से नीचे चले जाना है क्योंकि ये इसकेब का जो इंट्रेंस है वो बिल्कुल ऊपर है ही नहीं नीचे की तरफ मिलेगा सो ये देखिए ये हमारा केव का एंट्रेंस है बिल्कुल इर्ज में ये ये थोड़ा सा खोजना आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तब सो ये देखिए ये हमारे केव का एंट्रेंस है मैं इसका लैंगीट्यूड और लैटीट्यूड दोनों दिखा देता हूँ आपको अठारह पॉइंट सेवन से उन्नीस पॉइंट सिक्स दोनों के दोनों हैं ऑलरेट तो अगर आप लोग इसको बाई फुट आ रहे हैं तो आपको किस तरीके से आना पड़ेगा वो भी दिखा देता हूँ क्योंकि स्नो वाले में थोड़ा सा आप लोगों को ना विदाउट आर्मर आना मुश्किल हो जाएगा सो ये देखिए मैं बिल्कुल जैसे जैसे आ रहा हूँ आपको वैसे वैसे आना है यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है ये देखिए आपको दिख गया होगा आप रास्ता यहाँ से कैसे आना जाना है ऑल डेट गाइज सो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और साथ साथ अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो है ऑलरेडी मैंने केब्स पे और भी बहुत सारी वीडियोस टिप्स एंड टिप्स डाल रखी है आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं और साथ ही साथ बात कर लें कि अगर आप लोग दो ऐसे भी केब हैं जिसको आप लोग बाई फुट दौड़ते हुए खोज सकते हैं पहला जो है हंटर केब है जो कि मैंने पहले पहले दिखाया था और दूसरा लावा केब है आप लोग जो है जैसे डाइड होकर रिस्पॉन्स लेंगे आजू बाजू एरिए पे तो आप लोग दौड़ते हुए भी जा सकते हैं बट और बाकी सभी केप्स के लिए आपको एक राइडर चाहिए ही होगा जैसे डायनो वगैरह राइड करने के लिए तो आज के लिए इतना ही और इस वीडियो के लिए भी इतना ही अगर अगर आप लोग जो है चैनल में ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को इन द एंड ऑफ वीडियोस अगर आप लोग इस वाले सेफ डाटा को चाहते हैं गाइस क्योंकि देखिए अभी जो है मैंने गिवेज वगैरह करना बंद कर दिया है तो अभी भी बंदों को जिसको एम्बर वगैरह चाहिए होगा तो एम्बर वगैरह भी मैं दे रहा हूँ मतलब बहुत ही ज़्यादा चीपली प्राइस में दे रहा हूँ बट हाँ ये वाला सेफ डाटा भी दे रहा हूँ मैं गाइस देखिए इसमें जो है क्या क्या है इसमें हमारा जो है सारे आर्क टाइप लोक हैं जो कि अगर आप लोग नॉर्मली परचेज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा और साथ साथ जितना एम्बर है फिलहाल के लिए उतना ही एम्बर रहेगा इससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता मैं और इसके अलावा जो है ना गाइस आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जब तक मैं इसमें खेलता रहूँगा तब तक सारी चीज़ें ऐड करता रहूँगा और एक डाइनो तो पेट्रा वाला हमारा है ही ये सभी की सभी चीज़ें मैं दे दूँगा आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नाइन्टी नाइन रुपीज़ में और ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑफर वन वीक के लिए है आज से वन वीक मतलब जब भी ये वीडियो अपलोड होगा उससे वन वीक तक ही रहेगा उसके बाद अगर कोई आएगा तो शायद मैं उसको न दे पाऊँ तो गाइस आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में